मुर्गाओं को, बकरियों को। संत लोग कहते हैं अगर उसका 100 साल हो ना बच्चे का, उसी दिन में वो आधा उम्र में उतर कर आ जाएगा, 50 साल में आ जाएगा। बोले क्यों? बोले जिसकी तुमने उपलक्ष्य करते हुए इतने पाप कर्म तुम करवाया, इतने जीव हिंसा, कहते हैं ना सबसे बड़ा पाप है जीव हिंसा। जब भी इस जीव को हम मारते हैं, जब वो जीव हा भरता है, हा भरता समझते हो, और जो दुख पाता है वो दुख को कौन लेगा? भागवत में बताए उसको 5 व्यक्तियों को लेना पड़ता है। पहला नंबर जो बकरी बा मुर्गा को जो काटता है, दूसरा नंबर जो खाता है, तीसरा नंबर जो बनाता है, चौथा नंबर जो पैसा देता है, और पंचवा नंबर जो अनुमोदन करता है। भागवत कहता है ये 5 व्यक्तियों को ये पाप लेना, बांट कर लेना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते मांस। संस्कृत पढ़े थोड़ी बहुत? मांस मतलब क्या है? मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको तुम काट करके खा रहे हो, बाद में तेरे को जो दोबारा काट करके खाएगा। इसलिए इसको अंग्रेजी में कहते मीट। क्या कहते हैं? मीट मतलब क्या? मी ईट, ईट मी, उसको बदला दो क्या हो जाएगा? ईट मी, बा मीट, बा मी ईट, जो मुझे खा रहा है, बाद में जो ईट मी उसको दूसरे जीवन में फिर वही काट कर खाएगा। क्योंकि जो पाप है ना वो कभी अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। ये पाप का फल भोगना तुमको पड़ेगा, कोई इससे रक्षा नहीं पा सकते। इसलिए बच्चे का बर्थडे हो, अपना शादी की सालगिरह हो, क्या करो? संत बोला, घर में हरि कीर्तन कराओ, हरि चर्चा हो, सत्संग हो, है कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। अगर जिस बच्चे का बर्थडे में भगवान का नाम कीर्तन हो उसमें क्या होगा? अगर वो बच्चे का जीवन में कोई अमंगल हो, लेकिन उसको उद्देश्य से तुमने ये सत्संग करवाए, हरि कीर्तन कराया, क्या होगा? भगवान उसका सारे पाप कर्म खत्म कर देते, सारे पाप कर्म को ठाकुर जी खत्म कर देते। क्यों? उसकी उद्देश्य से तुमने ये सत्संग भगवान का नाम कीर्तन करवाए। आप लोग तो सब हिंदू लोग हैं, देखना पहले क्या होता था, घर में शादी होना सब माताएं ढोलकी मजीरा लेकर कीर्तन करते, कुछ भी काम होता था सबसे पहले ठाकुर का भजन कीर्तन से हुआ करता था। इसलिए सबके सब मंगल मंगलमय होता था, सबके सब घर में मंगल मंगलमय होता था। इसलिए हमारे बाबूजी और इनके परिवार के लोग, देखो घर में अगर एक संत जन्म हो जाए, ये भगवान स्वयं कहते हैं, घर में एक व्यक्ति अगर प्रभु का भक्ति करने वाले निकल जाए, कितना लाभ है? ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, बोले कुलम पवित्रम, मतलब उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, 21 पीढ़ी उसको उधार हो जाएंगे। वंश में अगर एक व्यक्ति प्रभु की भक्ति करे, बोले जननी कितार था, जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं, वो बच्चा उधार होने से पहले वो पिता माता उधार होकर भगवान के पास में चले जाते हैं। बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, बोले जिस पृथ्वी के ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाता है। नृत्यंति स्वर्गे पितरी पितरसा, जो तुम्हारी पूर्वज लोग हो गए यहाँ से उत्तरांचल के लोग भी कुछ है उधार, कौन कौन उत्तरांचल के लोग है? कोई है? आप देखना वहां पर एक पितर दोष कहते, आपको पता होगा पितर दोष। पितर दोष मतलब होता है अगर तुम्हारी पूर्वज जो पहले चले गए अगर वो दुखी है, उसकी घर में कभी सुखी नहीं हो सकता। तेरा घर में पैसा है, लड़का लड़की घर में सब कुछ है, घर में सब कुछ है, कोई चीज कमी नहीं, आप देखना घर में शांति सुख नहीं, घर में शांति सुख नहीं, बेचैन रहते। बोले क्यों? बोले पितर दोष है, इसको पितर दोष कहते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, बोले नृत्यंति स्वर्गे पितरे साम, उसका जो पूर्वज लोग हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? देखो हमारा अहोभाग्य, हमारे वंश में एक बेटा भगवान का भक्ति करना है, भजन करना है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वंश में अगर एक व्यक्ति अगर भक्ति करे, लेकिन बापू जी के घर में देखो ये दोनों पति पत्नी तो भक्त है ही है, उनका जो कितने बच्चे, तुम्हारे 4 बेटे हैं ना, इनको 4 के बेटे के बेटे सब कैसे भजन करने वाले, केवल बेटे नहीं उनका जो बहुएं हैं ना, ये बहुएं भी सब कैसे भक्ति कर रहे हैं। बहुएं की बात छोड़ दो,
वो कि जो बच्चे नाती पोते ने भी ये सबके सब भगवान भक्ति गला में कंठी माला तिलक लगा करके सबके सब भजन करते हैं। समझो ये परिवार कितने पुण्यात्मा है, ये परिवार कितने पुण्यात्मा है जिनकी पूरा के पूरा वंश के वंश सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं। और जिन्होंने आज ठाकुर जी की जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए आज संतों को बुलाकर घर में हरी चर्चा हरी कीर्तन कर रहे हैं, अब निकले जोरदार ताली बजाओ जोर से। जयकार कोई जय कोई हे बोल रहे हो। देखो कहते जब भगवान का जयकार देते हैं ना, भगवान का तो जयकार है ही, लेकिन हमारे बंगला में जय दिल्ले जय हवे। अब जब भगवान को जयकार करोगे अपना ही जय होता है और अपना जयकार होता है और सब के सब पाप तुम्हारी खत्म हो जाती हैं, सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाती है। इसलिए और एक बार जोर से जयकार दो, बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आज के आनंद की जय। आज भगवान का जन्मतिथि है, मैं एक भजन गाता हूँ, आप लोग सबके सब मेरे पीछे पीछे सबके सब बोलना। जब भगवान कन्हैया जन्म हुए गोकुल में, इतने में नंद बाबा ने पूरा ब्रज मंडल में नौता भेज दिया, मेरे घर में लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आओ। और जितने गोपियां थी ना, वे बड़े सुंदर सुंदर लड़चन श्रृंगार करके चौरास चौरास गज के लहंगा चुंदरी और बड़े सुंदर कान में कुंडल और सुंदर फूलों की माला से अपना चोटी को श्रृंगार करके रखी थी, गले में हार, कर में करधनी, कमर में बड़ी सुंदर सज धज करके सबके सब नंद भवन में आ करके और सबके सब वहां पर गा रहे हैं नाच रहे हैं। अब लोग भी थोड़ा गा लो नाच लो, ठीक है। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जय हो दिली तेरी बगई रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी बगई रंग काला। जो ब्रज की गोपियां होगी ना वो तो नाचे, और जो गोपी नहीं होगी चुपचाप बैठ लेगी। अभी हम देखते हैं कितना गोपियां यहाँ पर है, हैं? अब देखना जो शादी हो ना, पी पा करके मेन रोड में गंदी गंदी पिक्चर के ऊपर में मेन रोड में नाचती है, लेकिन अगर संसार का नाच अगर नाचोगे उल्टा पुल्टा गंदी पिक्चर में, फिर तो ये 84 लाख जन में नाचते रहोगे। लेकिन एक बार अगर भगवान के दरबार में नाच दो ना, तुम्हारी पूरा सारा जो नाचना खत्म हो जाएगी। नहीं तो किसको सास को सामने नाचना पड़ेगा, किसको बहू को सामने नाचना पड़ेगा, किसको पति को सामने नाचना पड़ेगा, किसको बच्चों को सामने नाचना पड़ेगा, सब नाच ही रहे हो, कौन नहीं नाच रहे हो बताओ, बताओ संसार में कौन नहीं नाच रहे हो, सबके सब नाच रहे हो। लेकिन कब तक नाचोगे, जब तक ठाकुर का कीर्तन में नहीं नाच लेते हो। अगर ठाकुर का भजन में नाच लो ना, सब नाचना तुम्हारे खत्म। इसलिए सबके सब अगर खड़े हो जाओ, बड़े समय से बैठ बैठ के प्यार दुख रहा है, नाच लो। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जी मतलब का ना हुआ हुआ मतलब
हम जावे सो नंदा बुआ, असम जावे सो नंदा बुआ, असम जावे सो नंदा बुआ, जीओ श्याम लाला जीओ श्याम लाला, 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 तेरी तेरी कजरी रंग काला, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, भैया जसोदा की जय, नंद बाबा की जय, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, हरे कृष्ण हरि बोल, तो तुम पर हरि नाम बार बार बोलो, और सुनता हरे कृष्ण, सब सब बैठ जाओ, सबके सब सब बैठ जाओ, सब माताएं भाई सब बैठ जाओ, भले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज हम सबके सब कृष्ण के जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती बोले सत संगति दुर्लभ संसारा, सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा, निमिष जगत में ये जो सत संग है, जो भगवान की कथा पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है। बड़े किस्मत वालों को जीवन में ये साधु संग और भगवान की कथा बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, साधारण भाग्य से नहीं मिलती है। इसलिए ये कौन कह रहे हैं, ये शंकर जी ये पार्वती को ये बात कह रहे हैं। अगर कोई एरे गेरे व्यक्ति कोई बात बोले ना, बोले यार उसके बाद क्या क्या महत्व है। लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई बात, जैसे मोदी अगर कोई बात को बोले तो बोले भैया जो मोदी बोल रहा है जरूर उसमें कुछ दम है। इसलिए यहाँ पर कौन कह रहे हैं, शंकर जी कहते। शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदर देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी। शंकर जी ये बात को कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे हैं। बोले पार्वती जीवन में सत्संग और भगवान की कथा पार्वती बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। अगर जीवन में सत्संग और जीवन में भगवान की कथा मिल जाए तो फिर क्या समझो, तुम्हारी संसार के बड़ा पार हो गया, तुमको और इस संसार का दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती ये जीवन में ये साधु संग कब मिलता है, ये भगवान की कथा कब सुनने को मिलता है। बोले अति हरि कृपा, जब भगवान की कोई विशेष कृपा जीव को ऊपर हो पार्वती। अति हरि कृपा मतलब क्या है, मतलब संसार का जब दुख कष्ट खत्म हो गया, भटकना नहीं पड़ेगा संसार में, सब दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो गई, तभी जीवन में ये साधु संग और भक्तों का दर्शन तभी जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए जब हनुमान जी को साथ में विभीषण का मुलाकात हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, ये भगवान की सबसे राम के सबसे प्यारे भक्त है, तब विभीषण क्या कहता है, बोले आज मोहे भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता। कहते जो रघुबरी मोहे अनुग्रह किनी तो मोहि तरस है। कहते लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम का कोई विशेष कृपा हो, तभी आज हमें संतों का दर्शन और हनुमान जी का दर्शन मिला। लगता है प्रभु राम को मिलने में और कोई देर है नहीं, जल्दी जल्दी प्रभु राम हमें मिलेंगे, और राम मिलेंगे तो बस भगवान अगर मिल गए तो दुख कष्ट खत्म हो। इसलिए समझो आज हमारी बहुत बढ़िया दिन है, जो थोड़ी समय हमें यहाँ बैठ करके भक्तों का दर्शन, भगवान की कथा और जीवन में सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है, बड़े भाग्य से समझो ये चीज हमें मिल रहा है, हैं? इसलिए नियम क्या है, सत्संग से कुछ लो और सत्संग में कुछ दो और कुछ लो। बोले भैया देंगे क्या और लेंगे क्या, बोले जितने गंदी चीज को दे दो, बोले लेंगे क्या, बोले भगवान का प्रेम और भक्ति को लो, गंदी चीज को दो और अच्छी चीज को लो। बोले गंदी क्या चीज है, भागवत में बताया चार चीज गंदी चीज, जो ये चार चीज को छोड़ दो। कौन कह रहा है, ये भागवत कह रहा है, हैं? ये भागवत कौन, ये हमारे माँ। जैसे बच्चे अगर कहीं गलत रास्ता पर जाए मैया क्या करती, थप्पड़ मारती है ना, थप्पड़ मारती कि नहीं, माँ शासन करती, बोले बेटा नहीं ये गंदा काम मत किया करो, अच्छा काम करो। इसलिए ये भागवत हमारी माँ है, इसलिए माँ क्या करती है, बच्चों को सावधान कराती है, नहीं गंदी चीज छोड़ो, अच्छी चीज को ग्रहण करो, बढ़िया लिखा पढ़ाई करो, अच्छे आदमी बनो, बढ़िया
भी आप नौकरी चाकरी करो, पैसा कमाओ, हैं गद्दी चीज को छोड़। माता शासन करती है ना, पिता शासन करती है, इसलिए भागवत ही हमारी माँ है। ये कहती है चार चीज को त्याग दो। बोले पहला क्या है? बोले जुआ मत खेला करो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म स्वरूप है। बोले देखो मैंने जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गया, मेरा राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर हमें 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। इसलिए खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगाना करो, ठीक है ना? बच्चों को भी सावधान करना, कभी जुए खेले खेले नहीं। पानम पानम मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटका, फुटका, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोग तो कोई चीज नहीं लेते हो, इसलिए आप भी अपना पतियों को भी सावधान करना, शराब को नहीं ले। शराब, कोई गंजा, अफीम और कोई नस्ली वस्तु, ये चीज को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना? जितने माताएं बैठे हो आप लोग तो शराब नहीं पीते हो, लेकिन तो पति शराब पीना शुरू कर देता है, ठीक है ना? इसलिए जिस घर में व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है, सब जो घर आ, इसलिए संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ है। कितने लाभ है? 3। जोर से बोलो 3। क्या क्या है? बोले पहला लाभ है वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहेगा तभी तो बूढ़ा होगा ना। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आई। देखा 8-10 साल की दो बेटे हैं। मैंने कहा ये बच्चों का पिताजी कहाँ? वो तो बोले तो मर गया। बोले कैसे मर गए? बोले वो पिता था। क्या करता था? वो पिता था, लेकिन जब पी कर मैंने बहुत पी करके पूरा लीवर जब खत्म हो गया और बचने का कोई चांस नहीं था, और पी करके लीवर पूरा के पूरा खत्म हो गया, किसी तरह से हम उसको बचा नहीं पाए। इसलिए बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या? जिंदा रहेगा तब तो बूढ़ा बनेगा। उनको समझाना बच्चों को और अपना पत्नियों को, बच्चों पति को, ठीक है ना? इसलिए दूसरा लाभ किया। बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी नहीं होगी? बोले चोरी कब होगा? बोले घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म कर दे। बोले चोरी किस चीज का होगी? हैं चोरी किस चीज का होगी? घर में तो कुछ रहेगा नहीं, ठीक है ना? इसलिए चोरी नहीं होगी। तीसरा लाभ क्या है? बोले कुत्ते उनका दोस्त बनेंगे। बोले मतलब कहीं पी पा करके रोड में पड़ा रहेगा, कुत्ता आकर के मुंह में पेशाब करके चला जाएगा। इसलिए अपना दूर रखना, ठीक है ना? ये सब इससे दूर रखना, पतियों को और भाइयों को दूर रखना, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है स्त्रियंग। स्त्रियंग मतलब होता है अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए। मतलब संसार करो लेकिन शादी शुदा करके पति पत्नी मिल करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी को करो। ऐसे नहीं शादी नहीं करे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे उधर उधर। लेकिन शास्त्र इस चीज को मना किया है, ये चीज को शास्त्र, संसार करो शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी। जगत मेरे डाइवोर्स क्यों? कारण क्या? बोले कारण है शादी से पहले लड़की अगर लड़कों के साथ में घूम कर आएगा, लड़का अगर लड़की को साथ में घूम कर आएगा, वो घर गृहस्थी कभी बैठ सकता है? बैठ ही नहीं सकता घर गृहस्थी। इसलिए इतने डाइवोर्स हो रही है। इसलिए पहले की आज एक बिहार का लोग आया था, मैंने कहा कितना उम्र में शादी हुई? बोले मेरे 14 साल में शादी हो गई। किंतु पहले बाल विवाह होता था, आप लोगों को पता होगा, पहले बचपन में शादी करा देते थे। इसलिए पत्नी को पता चलता था ये मेरे पति, पति को पता चलता था मेरे पत्नी है, फिर इधर उधर नहीं जाते थे। इसलिए घर गृहस्थी, ए बच्चा बैठो वहाँ, बैठो वहीं पर। इसलिए क्योंकि घर गृहस्थी ये बनी रहती थी, है ये पहले जो व्यवस्था, ये व्यवस्था सही व्यवस्था पहले थी, है इसलिए कहते स्त्री। अब उसको बाद में बोले फिर जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन, ये सब चीजों को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोशिश करना, यहाँ पर तो अक्सर करके भक्त लोग बैठे ये सब चीज को लेते ही नहीं,
लेकिन कुछ कुछ बातें लेते हो ना, कुछ कुछ वक्त लो कोई कोई लेते हो, सही बोल दो, कौन कौन लेता है, हाथ उठा दो, हाथ उठा, कौन कौन लेता हो मांस मछली, कौन कौन खाते हो? इसलिए इसलिए कोशिश करना जैसे कि ये चीज हमारी छूट जाए, है? क्योंकि सभी जीव का हृदय में भगवान का निवास है, ठाकुर सबके हृदय में ठाकुर को निवास करते हैं। हम जीवन में हम सबके सब शुभ चाहते हैं, जीवन में कोई दुख नहीं चाहता है। आप बताओ तो कौन जीवन में दुख चाह रहे हो? कोई दुख चाहते हो? जीवन में हम सुख चाहते हैं। एक कहा बता है ना, सुख देने से सुने और दुख देने से क्या मिलेगा, बोला दुख। जब हम किसी जीव को हत्या करके खाते हैं, वो जो दुख उठाता है, फिर दुख को कौन भोग करेगा? जो खाने वाले को तो भोग करेगा ना, ठीक है ना। इसलिए लेकिन हमारी एक भ्रम धारणा है, अगर हम मांस मछली नहीं खाएंगे शरीर कमजोरी हो जाएगा, फिर हमको अपना काम धाम करना पड़ता है, हैं? कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, देखो जितने वेजिटेरियन हैं और जितने नॉन वेज है, जैसे कुत्ता नॉन वेज है, आप देखना जब कुत्ता थोड़ी सी भागता है ना, देखना सोया हुआ होगा हफ्ता हुआ, देखोगे अब डिस्कवरी खोल कर तीन चार दिन तक उनको लेटना पड़ता है कि उसको हजम करने के लिए, और जीभ निकाल करके हफ्ते दिन देखोगे उनको, हैं? लेकिन घोड़ा वेजिटेरियन देखो, जैसे घोड़ा है वो क्या खाता है, घास खाता है, घास खाता है ना, छोला खाता है। रेस किसका किसका होता है? रेस घोड़े का रेस होता है। हमारी वृंदावन में घोड़ा गाड़ी है, दस दस पंद्रह पंद्रह व्यक्ति को घोड़ा गाड़ी में बैठा कर भगा करके ले जाता है, इतने ताकत है ये घोड़े का अंदर में। हाथी क्या खाता है बोलो? पेड़ पौधा खाता है ना, इतना बड़ा शरीर किसका है, इतना ताकत किसका है। एक बैल क्या खाता है? वो भी घास खाता है, हैं? खेती में दिन भर काम करता है। एक गधा क्या खाता है? वो भी घास ही खाता है। हम कहते हैं ना, तू गधे जैसे दिन भर काम कर रहे हो, तो कभी उत्तराचल में जाना, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन गए हो? जहाँ इंसान भी चढ़ नहीं सकता है, केदारनाथ बद्रीनाथ में वो गधा पीठ के ऊपर बैठा करके इंसान को पूरा पहाड़ को ऊपर ले जाता है, इतने ताकत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, देखो एक किलो मांस कितना रुपया में आता है, बकरी का मांस देखना, और बकरी का मांस इसका मांस करके 700-800 रुपया एक एक किलो है, है? एक एक किलो इतने पैसा, एक किलो मांस ले आओ बस एक टाइम खा करके मसला मसला देकर खत्म, हजार रुपया खत्म हो जाएगा। लेकिन आप घर में हजार रुपया का साग सब्जी ले आओ, कितना दिन जाएगा बोलो, कितना दिन जाएगा? बचा बचेंगे तो हेल्थ भी सही रहेगा, हैं? और ताकत भी शरीर में ज्यादा आएगी, हर चीज में लाभ ही लाभ है। इसलिए भागवत में बताए ये गंदी चीज को छोड़ देनी चाहिए, और चार चीज को अपनाओ। बोले चार चीज को क्या क्या अपनाओ? बोले पहला नंबर जो अपनाने का चीज है, कहते हैं ये भगवान की नाम जप करनी चाहिए। भगवान कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताए, बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, इसलिए कहते ना कलयुग के बलना Yeah.
हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं जो भगवान का नाम ग्रहण करते हैं कहते तो उनको नाम लेने का साथ साथ उसका तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है मैं आज बोलूंगा, अभी बोलूंगा, बाद में तुमसे सुनूंगा, देखूंगा किसको याद है। पहला काम क्या होता है? पहला काम नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, कहते ये चित्रगुप्त कौन है? बोले चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब होता है छुपा करके। हम जीवन में जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो सारे फटो उठा रहा है। बोलोगे रात में हम तो 10 ताला बिल्डिंग के ऊपर में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ, फटो कैसे उठाएगा? बोले जो रात है ना ये साखी रात, ये साखी है, और दिन में सूरज का किरण समझा का मैं पड़ा हुआ, इसलिए उसका साखी ये सूरज है। हम कोई भी कर्म को आप सोचोगे हम छुपा करके कर रहे हैं, कोई कर्म को तो छुपा करके कर ही नहीं सकता, वो सारे हमारे फटो निकले, सारे फटो उठा रहे हैं, इसलिए उसका नाम है चित्रगुप्त। मतलब गुप्त रूप में सारे फटो को जो ले रहा है, हैं? अब देख लेना, एक पिता की एक माता जी, उनको 4 ही बच्चे हैं, देखना चारों का स्वभाव अलग है। एक बच्चा तो इतने बढ़िया पैसा कमाता है, वो पैसा कहाँ रखेगा, उसको रख नहीं पा रहा है, और एक बच्चा इतने निकम्मा अपना रोटी में कमा नहीं पा रहा। एक बच्चा देखना इतने बुद्धिमान, इतने इंटेलिजेंट हैं, एक बच्चा का दिमाग ही नहीं। जन्म हम देते हैं लेकिन जो कर्म है ना वो अपना कर्म को लेकर जाता है। जन्म हम दे सकते हैं कर्म तो वो अपना कर्म को लेकर के आता है। एक व्यक्ति टाटा बिरला तो घर में अंबानी घर में जन्म ले लिया, एक व्यक्ति देखना रिक्शा वाला घर में जन्म लेता है, दिन भर काम करके भी रोटी नहीं जुगाड़ कर पाता, और एक व्यक्ति अंबानी के घर में जन्म ले लिया, जन्म लेने का साथ साथ सारी संपत्ति का मालिक वही हो गया। क्यों? उसको घर में एक क्यों जन्म लिया, एक रोड कब जो रोड में जो है उसको घर में क्यों जन्म ले लिया? सारे कर्म का चक्कर है, इसलिए उसका नाम कहते चित्रगुप्त है। इसलिए यहाँ पर देखो जो भगवान का नाम जब करते है ना इसका कितना महिमा देखो। कहते जो व्यक्ति भगवान का नाम जब करता है उसको साथ साथ में तीन काम हो जाएगा। बोले पहला काम क्या होगा? बोले चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते बोले इधर आ जाओ और रजिस्टर लेकर के। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दो, ये व्यक्ति का नाम काट दो। बोले किस लिए? बोले ये भगवान का नाम जब कर रहा है ना ये कभी और नर्क नहीं आएगा, कभी वो नर्क नहीं आएगा कभी, ये पहला काम। बोले दूसरा काम क्या है? बोले गोलक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले तुम रजिस्टर लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम लिख दो इसमें, रजिस्टर में इसका नाम लिख दो। बोले किस लिए? बोले ये भगवान का नाम जब कर रहा है ना वो सीधा गोलक वृंदावन ठाकुर को चरण में जाएगा। बोले तीसरा काम क्या? बोले ब्रह्म लोक में पितामह ब्रह्मा जी आरती का जो थाला को सजाना शुरू कर देते हैं, किस लिए? बोले भगवान का नाम जब कर रहा है ये भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए जब गोलोक वृंदावन जाएगा उसको रास्ता में मैं आरती उतारूंगा, रास्ता में आरती उतारूंगा, इतने महिमा जिसकी मुंह में भगवान के नाम है। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते बोले माँ ये भगवान का नाम को कौन ग्रहण कर सकता है? बोले माँ मेरे नाम को सभी नहीं ले सकते, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्यात्मा होगा। बोले जनेई पूर्व 70 जन्म वासुदेव समर जन्म, जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान वासुदेव का अर्चन किया है वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है। और जो व्यक्ति प्रभु का नाम ले रहा है उसको क्या समझना पड़ेगा? उसको ये समझना पड़ेगा ये पूर्व जन्म में 4 काम करके आया है। कितना काम करके आए? 4। क्या क्या? सुन लो, मैं आपको पूछूंगा, याद रख, याद ठीक से सुना।
चार काम पूर्व जन्म में किया किया, बोले पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है वो सारे तीर्थ में भ्रमण कर चुका है, सारा तीर्थ कर चुका है। बोले पृथ्वी में कितने तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितना? 6 अरब। 1 अरब कितना बोलो? 1 अरब 100 करोड़ को कहते 1 अरब। 6 अरब कितना हो गया? 600 करोड़ तीर्थ हमें पूर्व जन्म में उसने सारे ये 600 अरब तीर्थ को पहले भ्रमण कर चुका, सारे तीर्थ कर चुका है। बोले दूसरा काम क्या है? तो पानी पे कहते जो दूसरा काम है, कहते दूसरा काम है जितने दान जगत का, जितने बड़े से बड़े दान हैं, जैसे हॉस्पिटल खोलना, स्कूल कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, ये जितने तरह का पुण्य है पूर्व जन्म में ये सारे पुण्य कर चुका है। बोले तीसरा काम क्या है? बोले तीसरा काम है इसने पूर्व जन्म में जितने तरह का तपस्या है वो सारे पूर्व जन्म में सारे तपस्या वो कर चुका है, तभी इसी जीवन में भगवान के नाम को कोई व्यक्ति भगवान की नाम को उच्चारण करता है। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। देखो जैसे आपने भगवान का नाम ग्रहण किया ना, नाम ग्रहण क्या मतलब क्या है, आपका सारे तीर्थ करना हो गया, सारे दान करना हो गया, सारे तीर्थ पर्यटन करना हो गया, जितने सारे पुण्य कर्म तुम्हारी प्रभु का पानी आ गया, पानी आ गया। इसलिए भगवान का नाम जब करते ही आपका ये सारे काम तुम्हारी करना हो गया। इसलिए भगवान का नाम को जो जप करने वाले बड़े भाग्य से भगवान का नाम को कोई जप करता है, हैं? इसलिए क्या, इसलिए भगवान ने कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा, बोले कलयुग में और कुछ करने का जरूरत नहीं, क्या करो कलयुग में, केवल ठाकुर जी की नाम को जप करो, केवल भगवत नाम जप से ही तुम्हारे सब कुछ कल्याण, तुम्हारी भगवान का नाम जप से हो जाएगा। इसलिए सबके सब पीछे ताली बजाते हुए मेरे पीछे पीछे सबके सब भगवान का नाम करो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे Hare 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 Hare
जय 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 जय